खबर अलवर से सदर थाना क्षेत्र धैलाबास में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग हो गई, जिसमें करीब दोनों पक्षों के 3 लोग घायल हो गए। फायरिंग की सूचना मिलने के बाद सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 3 घायल लोगों को राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रोमा वार्ड में भर्ती कराया, जहां पर सभी का इलाज चल रहा है। घायल के परिजन कृष्णा गुज्जर ने बताया कि धैलावास के रहने वाले राम कुमार गुज्जर की जमीन पर दूसरे पक्ष के लोग ख्याली रूप सिंह, हरी राम, अमीर चंद्र, रूपचंद ने आज सुबह आकर खेत जोतना शुरू कर दिया। इस पर राम कुमार परिवार को खेत जोतने की सूचना मिली, जिस पर वह अपने खेत पर पहुंचे, जहां दूसरे पक्ष के अमीर चंद रूप नारायण पहले राम खेत जोत रहे थे। तभी इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हो गया और मौके पर एक दूसरे पर पथराव हो गया, जिस पर दूसरे पक्ष के अमीर चंद रेली रूप नारायण ने झगड़े में राम कुमार पर फायरिंग कर दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फायरिंग की सूचना के बाद मौके पर पहुंची सदर थाना पुलिस ने दोनों पक्षों के 3 घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। सदर थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि गांव ढलावास में जमीनी विवाद को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा व फायरिंग की सूचना मिली थी, इसमें करीब 3 लोग घायल हो गए। फिलहाल अभी दोनों पक्षों की ओर से किसी भी तरह की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट प्राप्त होते ही कार्रवाई की जाएगी। घायल लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है। मेरा नाम है कृष्णा गुर्जर। आप बताइए क्या हुआ, कौन सा गांव है, क्या है? मेरा गांव है रावतों की डाणी देलावास। ये हुआ था कि हमारे जमीन के ऊपर चल रहा था, ये जमीन हमारी थी और ये जमीन मतलब दूसरे पक्ष वाले लेना चाहते थे। तो सुबह क्या है कि हमारे घर वाले घर पे नहीं थे, तो ये खुद वहाँ पर गए 7 बजे। वहाँ पर इन्होंने खेत जोता, जबरदस्ती करी थी वहाँ पर जाकर। ये जो दूसरी पार्टी है ना, विपक्ष वाली पार्टी, उन्होंने खेत जोता था वहाँ पर जाकर। जोतने के बाद में हमारे मतलब घर वालों के पास फ़ोन वोन हुआ था, उसके बाद वे वहीं पहुँचे। उसके बाद इन्होंने क्या है कि मौके पे फायरिंग वायरिंग करी थी। जो हमारे चाचा जी सीरियस है, फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं सैटेलाइट में। जिनके लगे क्या नाम है उनका? राम कुमार रावत नाम है, हमारे ताऊ जी हैं वो। क्या क्या हुआ उनके, फायरिंग? उनके फायरिंग करी गई थी, उनके सर में भी लगी है गोली, हाथ में भी लगी है, मतलब बहुत जगह लगी है। अभी सीरियस गंभीर हालत है उसकी। फिलहाल लोगों ने करी है फायरिंग, ये नाम है उनका, नाम है ख्याली रावत और ख्याली रूप सिंह सिरराम। इन्होंने सब कर मिलकर फायरिंग करनी थी और मतलब मारने की कोशिश कर रहे थे, पर अभी फिलहाल गंभीर अवस्था में। तो ये कितने दिन से विवाद चल रहा है जमीन का? ये 1-1.5-2 साल से विवाद चल रहा है फिलहाल प्रेजेंट में, और चल रहा है। और अब फिलहाल हमारे ताऊ जी सीरियस गंभीर अवस्था में है, फिलहाल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। रिपोर्ट दर्ज करा दी आप लोगों ने? हाँ, रिपोर्ट दर्ज करा दी हमने। ये कुछ देर पहले सूचना मिली थी कि ढहलावास गांव में कोई जमीनी विवाद को लेकर 2 गुजर पक्षों में झगड़ा हुआ है, जिस पर हॉस्पिटल आकर देखा है तो 3 मजरूब हैं जिनका इलाज चल रहा है ट्रोमा वार्ड में, और 1 मजरूब के फायर आर्म की चोट भी है। अभी दोनों पक्षों का इलाज चल रहा है, रिपोर्ट दोनों ही पक्षों ने अभी दी नहीं है। अब मौके पर पहुंचकर वहां जायजा लिया जाएगा, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाएगा और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या ये जमीनी विवाद में कोई अवैध कब्जा करना चाहते थे, जोताई कर रहे थे कुछ? अभी डिटेल रिपोर्ट हमारे पास आई नहीं है और न अभी घटनास्थल देखा है। अब सीधे घटनास्थल पर पहुंचकर जो भी स्थिति होगी उसके बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है।